अगर आप CSE में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस के साथ खुद को रजिस्टर करके रखोगे तो जब आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से CSE का कॉल सेंटर पर रिंग करोगे तब CSE का सिस्टम पर आपको आइडेंटिफाई किए जाएंगे और आपका रिक्वेस्ट या फिर कंप्लेंट पर तुरंत एक्शन लिए जाएंगे। इसे फायदा होगा ये कि जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट या फिर कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए CSE का कॉल सेंटर पर रिंग करोगे आपको बार बार कंज्यूमर नंबर बोलना नहीं होगा। इसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड होने से इंफॉर्मेशंस लाइक बिल्स और अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज को भी आपका ईमेल एड्रेस पर भेज दिए जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव। आज इस वीडियो पर CSE में कैसे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे के रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं उसका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। सो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा बगैर स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल नेवर टू मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। CSE में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको CSE का इस ऑफिशियल वेब पोर्टल पर चले आना है। लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। पोर्टल पर आके ऊपर में दिए गए कुछ ऑप्शंस में से आपको कस्टमर ऑप्शन को चुन लेना है। चुनते ही आप कस्टमर जोन के अंदर चले आओगे, जहां पर LT कस्टमर के अंदर रजिस्टर विद अस ऑप्शन के ऊपर टैप कर देना है। इतना करते ही आप माई अकाउंट के अंदर लॉगिन पेज पर चले आओगे, जहां पर आपको LT कस्टमर ऑप्शन को सिलेक्ट रखकर मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं नया यूजर हूं और CSE में रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, इसलिए आई हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ बटन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जो कि LT कस्टमर्स का रजिस्ट्रेशन के लिए है। यहाँ पर पहले आपको अपना 11 डिजिट कस्टमर आईडी को एंटर कर देना है। कस्टमर आईडी को एंटर करके जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए मोबाइल नंबर के फील्ड पर क्लिक करोगे तुरंत एक पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पर शो हो रहा है कि इस मोबाइल नंबर मल्टीपल कस्टमर आईडी के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए आपको आपका मीटर नंबर एंटर करना होगा। इसे ओके करते ही आपका हर एक डिटेल्स अपने आप आ जाएगा, जैसे कि कस्टमर नेम, मेलिंग एड्रेस, सप्लाई एड्रेस और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बगल में आपको अपना मीटर नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद यू हैव टू एंटर योर व्हाट्सएप नंबर ओवर हियर। ईमेल आईडी अगर आप पहले से दे रखे हैं तो वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। उसी के नीचे आपका डे एंड मंथ ऑफ बर्थ को देखने को मिलेगा, जिसके दाएं तरफ आप बिलिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे इंग्लिश ही रख रहा हूँ। इसके बाद अगर आप चाहे तो अपना पैन नंबर एंटर कर सकते हैं और नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। नाउ यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होनी चाहिए। पासवर्ड एंटर करके उसे आपको री एंटर करना होगा कंफर्म करने के लिए। आप यहां पर टिक करके ईमेल के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे ब्लैंक ही छोड़ रहा हूं। अब आपको नीचे दिए गए दो चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर देना है। एक, अगर आप चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आए तो आप इसे जरूर टिक करें, और दूसरा ऑप्शन पर ऊपर में आपका दिए गए डिटेल्स सही है इसे सर्टिफाई करने के लिए टिक करें। इन दोनों ऑप्शंस को टिक करके यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ। इतना करते ही एक पॉपअप फिर से आ जाएगा, जहां पर लिखा है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP भेज दिए गए हैं एंटर करने के लिए। इसे ओके करते ही आपके सामने मोबाइल OTP और ईमेल OTP एंटर करने का फील्ड्स दिखाई देगा, जहां पर आपको दोनों OTP एंटर करके
सबमिट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही ये देखिए एक पॉपअप आ गए हैं जहां पर लिखा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू, यानी आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब आप लॉग इन कीजिए। पॉपअप पर ओके करते ही वही माई अकाउंट वाला पेज आ जाएगा जहां पर आपको मोबाइल नंबर और अभी अभी क्रिएट किए गए पासवर्ड को एंटर करके लॉग इन के ऊपर टैप कर देना है। टैप करते ही आप डैशबोर्ड पर चले आओगे जहां पर आपको वेलकम किए जाएंगे और आपका कस्टमर आईडी के साथ आपका सप्लाई एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेलिंग एड्रेस और मंथली बिल अमाउंट, बिलिंग मंथ और ड्यू डेट के साथ दिखाई देगा। आप इस टैब पर क्लिक करके किसी और एक अकाउंट को ऐड कर सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी लॉग्ड इन हूँ इसलिए यहाँ पर मेरा नाम शो हो रहा है और उसी के बगल में आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देगा जिसके ऊपर क्लिक करते ही आप इस पोर्टल से लॉग आउट हो जाओगे। तो ऐसा करके आप भी CSC में खुद को रजिस्टर कर सकते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक और शेयर कर देना एंड हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।